एक ऐसा होमवर्क जिसे पूरा करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और ऐसी तो क्या वजह थी कि इस देश ने होमवर्क पर ही बैन लगा दिया। और इन फेमस यूट्यूबर्स के सीक्रेट ब्रांड जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, फ्रांस के प्रेसिडेंट की ये अजीब बात आपको भी नहीं पता होगी। दरअसल इमैनुअल मैक्रोन जो कि 43 साल के हैं और इनकी वाइफ इनसे 25 साल बड़ी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी ये वाइफ एक्चुअली में इन्हीं की टीचर हुआ करती थी, और मैक्रोन की वाइफ की ये सेकंड मैरिज है जिसकी वजह से इनका एक स्टेप सन भी है, और ये भी इमैनुअल मैक्रोन से 3 साल बड़ा है। नंबर 11, 2017 में कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई थी, और इस वजह से कई किसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपने जानवरों और फार्म्स को छोड़कर जाना पड़ा। पर उस समय जंगल में बकरियों का ग्रुप भी था और उनका लीडर एक कुत्ता था जिसका नाम उडेन था। तारीफ वाली बात तो ये है कि ये कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए अपने ग्रुप को छोड़कर नहीं भागा और पूरी बहादुरी से अपने ग्रुप की रक्षा करी। फिर कुछ समय बाद आग बुझी तो पता चला कि इस कुत्ते के साथ साथ इसका पूरा ग्रुप सेफ था। और आपको बता दूं ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, तो इस कुत्ते के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। नंबर 10, कैलिफोर्निया में 1901 में होमवर्क को ही बैन कर दिया था। गवर्नमेंट का मानना था कि होमवर्क की वजह से बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई से अनइंटरेक्ट हो रहे हैं, इससे अच्छा होमवर्क के टाइम पर वो अपने स्किल्स को और डेवलप कर सके। वैसे मेरे हिसाब से तो इस तरीके के रूल को दोबारा लाना चाहिए। नंबर 9, स्टीव जॉब्स ने एक बार गूगल के पास कॉल किया और बोला था कि गूगल के येलो वाले ओ में थोड़ी दिक्कत है। दरअसल अपडेट के बाद इसका येलो कलर थोड़ा डल हो गया है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद जब गूगल ने खुद चेक किया तो पता चला कि एक्चुअल में येलो कलर चेंज था। इसके बाद इसे दोबारा से ठीक किया गया। नंबर 8, ये जो औरत आप देख रहे हो ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शादी करने वाली लेडी है। इनका नाम लिंडा वुल्फ है, जिन्होंने 23 टाइम्स शादी करी है, और मौका मिले तो ये 24 बार भी शादी करने के लिए तैयार हैं। शायद इसी वजह से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके भी पास है। नंबर 7, ये स्टोरी रियली काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1995 में एक आदमी ने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, और इस आदमी को जिसका हार्ट लगाया गया उस आदमी ने आत्महत्या करके अपनी जान दी थी, और फिर कुछ समय बाद इस आदमी ने उसी डोनर की वाइफ से शादी कर ली, जिसका मतलब इसका ये दिल दोबारा उसी लेडी के प्यार में पड़ गया। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इस आदमी ने भी उसी तरीके से आत्महत्या करी जिस तरह से इसके डोनर ने की थी। नंबर 6, आज तक का सबसे छोटा आदमी देखा है, तो ये रिकॉर्ड भी एक इंडियन आदमी के पास है, जिनका नाम गुल मोहम्मद है, और इनका जन्म 1957 में हुआ था, और इनकी डेथ 1997 में हुई। पर अपनी जिंदगी के 40 सालों में इनकी हाइट 1 feet 10 inch तक ही रही थी, जो कि एक जेनेटिकली बीमारी की वजह से थी। नंबर 5, ये बात शायद आपको चौंका दे कि फूलों का रस पीने वाली बटरफ्लाई मौका मिलने पर आपका खून भी पी सकती है। वैसे तो बटरफ्लाई के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो इंसान को बाइट करके खून पी सके, लेकिन अगर उन्हें कहीं ब्लड दिखता है तो वो एक सेकंड की देरी किए बिना ब्लड को पीने लगेगी, क्योंकि बटरफ्लाईज को खून पीना बड़ा पसंद है। नंबर 4, क्या आप जानते हो कि जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हो ये नहीं होता अगर ये बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो एक करोड़ों रुपीज की फोन इंडस्ट्री है वो इस बच्चे के होमवर्क से शुरू हुई थी, और उस बच्चे का नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। दरअसल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कई सालों तक फोन्स पर रिसर्च किया और 12 मार्च 1876 को अपने असिस्टेंट से एक रूम से दूसरे रूम में बात की थी। दरअसल उन्होंने अपने असिस्टेंट से बोला था, मिस्टर वाटसन कम हियर आई नीड यू, और इस चीज का उन्होंने जल्दी से पेटेंट करवा लिया था, और ये पेटेंट दुनिया का सबसे महंगा पेटेंट है। नंबर 3, सौरभ जोशी भारत के नंबर 1 व्लॉगर है, ये तो आप जानते हो, लेकिन क्या आप उनके ब्रांड के बारे में जानते हो, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। दरअसल सौरभ जोशी ने एक बार टी शर्ट ब्रांड बनाया था, लेकिन काफी सारी दिक्कतों की वजह से वो अपने इस ब्रांड को लॉन्च नहीं कर पाए। लेकिन कुछ टाइम पहले ही उन्होंने kunali.in नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जिस पर वो बच्चों के टॉयज और पढ़ाई से रिलेटेड एसेसरी बेचेंगे। पर अभी के लिए इस वेबसाइट पर एक रोबोटिक हैंड है जिसे आप इनकी वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हो। नंबर 2, ये ब्रांड एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर यानी कि कैरी मिनाटी का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेल, कैरी मिनाटी इस कंपनी के ओनर नहीं है, पर इसके ब्रांड एम्बेसिडर है। दरअसल इस कंपनी का नाम आर्टिक वर्क्स है, और ये कंपनी शानदार बैग बनाती है, और सच में ये बैग काफी मस्त है यार। नंबर 1, अगर एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की बात चल ही रही है तो अब दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर की बात कर ही लेते हैं, यानी कि मिस्टर बीस्ट। वैसे तो इनका ब्रांड इतना ज्यादा हिट है कि लोग पागल रहते हैं इसे खरीदने के लिए, लेकिन एक टाइम था जब मिस्टर बीस्ट ने अपना खुद का बर्गर का ब्रांड बनाया था जिसका नाम बीस्ट बर्गर था, पर वो बर्गर का ब्रांड
ज्यादा नहीं चल पाया, जिसकी वजह से मिस्टर बीस्ट को अपना बर्गर का ब्रांड बंद करना पड़ा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब भी कर ही देना, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे।